अस्सलामु अलैकुम मोहतरम सामईन इकराम, इस्लाम मोहब्बत भाईचारगी अमन और शांति का मजहब और दीन है। ये गवाह नहीं करता कि एक इंसान तो खाए पिए मौज मस्ती करे, उसका पड़ोसी उसका भाई भूखा रहे। इसने लोगों के खिलाने खिलाने पर बहुत जोर दिया है और कहा है कि ए मुसलमानों, ए इंसानों, तुम्हारा गरीब भाई उसका तुम पर हक है, उनका भी ध्यान रखो ख्याल रखो। अल्लाह ताला कुरान फरमाता है इन्नल अबरार शबुन मिनकाज का मिजाज हो क्या पूरा, के जो नेक लोग हैं, अच्छे लोग हैं, सालेह लोग हैं, अल्लाह ताला के यहाँ एक ऐसे जाम से पिलेंगे जिसमें काफू मिला होगा। उसमें आगे अल्लाह फरमाता है कि वजूत एमून तआम आला हुब्बिही मिस्कीन व यतीम व असीरा, के नेक लोग हुआ करते हैं अल्लाह ताला की मोहब्बत में या फिर माल की मोहब्बत में मिस्कीन यतीमों और कैदी को खिलाते पिलाते हैं, और साथ साथ ये भी कहते हैं इन ना मानो तो वजहिल्लाह, कि हम तुम्हें जो खिला रहे हैं लोगों को दिखाने के लिए नहीं, लोगों को खुश करने के लिए, बल्कि हम अल्लाह ताला की रज़ा के लिए खिला पिला रहे हैं, और हम तुमसे कोई बदला नहीं चाहते। और ये भी कहते हैं कि हम इन नखाफ मुसलम तरीरा, इसके बदले भी हम अल्लाह ताला से उस दिन से डरते हैं जो दिन बहुत लंबा और सख्त होगा, उस दिन अल्लाह ताला से हम इससे कार्य है बदला चाहते हैं। इस हदीस के अंदर भी अफ़सल सल्लम ने इसकी ताकीद की है, जैसा कि एक हदीस जो तबरानी की हदीस है, अल्लाह नबी फरमाते हैं अत ए मुत्ताम अफसुस्सलाम तुसुद्दनान, के ए लोगों को खाना खिलाया करो और सलाम को आम करो, सलाम क्या करो तुम जन्नत को पालोगे, इसके वारिस बन जाओगे। एक और हदीस जो बुखारी मुस्लिम की हदीस है, हज़रत अब्दुल्लाह में फरमाते हैं कि एक आदमी पहले पास आया और पूछा कि सबसे अच्छा अमल कौन है, इस्लाम में खैर सबसे प्यारा अमल कौन है। फरमाया था तुत ए मुत्ताम तकरसलाम अलाम तारिफ, कि तू लोगों को खाना खिलाए और तकरसलाम और तू सलाम को आम कर, सलाम क्या करे, खास तुम उसको पहचानते हो या नहीं पहचानते हो, सबको सलाम क्या करो, सबसे अच्छा इस्लाम है, सबसे अच्छा अमल है ये। जब आम लोगों को आम दिनों में खिलाने का ये सवाब है कि अल्लाह भी हमारे हैं कि इस्लाम सबसे अच्छा अमल है, और कुरान के अंदर भी मैंने बताया कि अल्लाह ताला इसके बदले में जहन्नम की सख्ती से और वह दिन जो सख्त दिन होगा, जिस दिन जो है लोगों का फैसला होगा, सख्ती से बचाएगा। तो फिर रमज़ान के महीने में, जबकि इस महीने में हर अमल का सवाब दो गुना बल्कि 700 गुना तक हो जाता है, इस महीने में नेक काम का कार्य खैर का क्या सवाब सकता है। तो मुसलमानों, रमज़ान का महीना आ चुका है, ये इस महीने के अंदर रोज़ा अफ्तार कराना बहुत बड़ा काम है, बड़े सवाब का काम है। ये ऐसा काम करना जो है हर एक को मैसर नहीं होता है, मगर इसको अल्लाह तौफीक दिया करता है। इस मौके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मन फतर सौमन कान लहु मिथलो अजर ही फरमाते हैं कि जो कोई किसी रोज़ादार को, किसी साइम को, किसी सौम रखने वाले को इफ्तार कराता है, अल्लाह ताला उसके सौम के एवज़ उसके सौम के बराबर उसे सवाब देता है। और इतना ही नहीं बल्कि अल्लाह ताला साइम के रोज़ादार के सवाब में कुछ कमी नहीं करता है। इससे मालूम होता है
कि रोज़ा अदा करना कितना बड़ा सवाब है। अगर हमने किसी एक आदमी को रोज़ा करा दिया तो उसके बराबर सवाब मिलेगा, दो को किया तो उसके बराबर सवाब मिलेगा। कितनी अच्छी नेकी है। जानते हैं रोज़ा रखना बहुत ही आला अमल है, बहुत बड़ा अमल है। अल्लाह फरमाते हैं कि रोज़ा के रोज़ा का बदला कहते हैं कि माना अजसी बही उजा बही, रोज़ा का बदला ये है। अल्लाह फरमा रहा है कि इसका बदला मैं खुद हूँ, या फिर अल्लाह फरमाता है कि इसका बदला मैं खुद देता हूँ। ये मतलब कि रोज़ा बहुत ही अच्छा अमल है। ये सौम रोज़ा बहुत अच्छा अमल है। तो अल्लाह भी फरमा रहे हैं कि जो कोई किसी को रोज़ा अता कराता है उसके लिए बड़ा सवाब है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि रमज़ान का महीना है, इस मौके पर आप रोज़ा अता करवाइए। एक बात और कहते हम कहने आपको कि दारुल खैर ट्रस्ट की तरफ से भी रफ्तार कराया जाता है। इसमें आप जो है तआवुन पेश करें ताकि हम आपके तरफ से हम जो है आपके पैसे से आपके तरफ से हम जो है अफ्तारी करा दें। क्योंकि ख़ास तौर से इस साल जबकि लॉकडाउन का मामला है, लोग एक एक रुपये को तरस रहे हैं, एक एक निवाले को तरस रहे हैं। मैं जानता हूँ कि बहुत से लोग परेशान हैं। ऐसे मौके पर हम आपसे इल्तमास करते हैं दारुल खैर ट्रस्ट का तआवुन पेश करें और जो है आप पेश करें ताकि हम आपके पैसे से गरीबों मिस्कीनों यतीमों जो रोज़े से हैं उनकी अफ्तारी का इंतज़ाम कर सकें। ये अल्लाह ताला ये अमल जो है बहुत अच्छा अमल होगा। ये हमारे लिए और आपके लिए दीन और दुनिया दोनों के लिए जो है फ़ायदा मंद होगा और जहन्नम के अज़ाब से बचने का ज़रिया होगा। अल्लाह तौफीक दे, आमीन।